स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बीसीसी का काउंसलिंग शुरू है और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जारी कर दिया है बीडीएस, एमबीबीएस और वेटनरी का। मैंने आप सभी को गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस का कट ऑफ बता दिया है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वेटनरी का कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमेंट था कि सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ कि ये जो कट ऑफ जो सेकेंड राउंड का है आज मैं बना रहा हूँ और कल 9:30 में अर्ली मॉर्निंग 9:30 में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसी के अप्रोक्स रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है अनरिजर्व का, ये वेटनरी का कट ऑफ है, बी डॉट वी सी कट ऑफ, ठीक है, और रैंक मार्क सब कुछ है। अनरिजर्व का 19,537 जिसका ऑल इंडिया रैंक है और स्टेट रैंक 1429 और 561 मार्क्स है, इनको मिल गया है वेटनरी बी डॉट वी सी। एसटी के लिए बात करते हैं तो 95,959 ऑल इंडिया रैंक, 31 स्टेट रैंक और 4,35 मार्क्स। एससी के लिए बात करते हैं तो 1,24,935 आपका ऑल इंडिया रैंक, 210 एससी स्टेट रैंक और 404 मार्क्स। ईबीसी के लिए बात करते हैं तो ईबीसी का 23,845, 314 और 550 मार्क्स कट ऑफ रहा है। बीसी के लिए बात करते हैं तो 19,816, 516 और 560 मार्क्स रहा है। आरसीजी के लिए बात करते हैं तो 21,445, 270 और 556 मार्क्स रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो 21,344, 354 और 556 मार्क्स रहा है। 844,962 डिसेबिलिटी कोटा का 116 और 107 मार्क्स। फ्रेंड्स ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रॉपर आपको बी डॉट वी सी के लिए है, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने सारे कट ऑफ बता दिया है, वेटनरी का, एमबीबीएस, बीडीएस, प्राइवेट, गवर्नमेंट सबका बता दिया है। अब मैं बताने वाला हूँ अगला वीडियो में कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितना जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। मैं थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा कि मैं जल्दीबाजी में नहीं चाहता बनाना, मैं प्रॉपर मैच करके बनाना चाहता हूँ ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ वहीं रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के साथ। थैंक्स फॉर वीडियो।